हेलो एवरीबॉडी दिस इज दिगराज सिंह राजपूत वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास सिक्स का चैप्टर चैप्टर है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन शब्द को समझो अच्छे से समझो देखो क्या है चैप्टर क्या बोल रहा है हमारा रूरल मतलब क्या होता है बच्चों रूरल मतलब होता है ग्रामीण अब आप बोलोगे सर ग्रामीण भी नहीं पता है ग्रामीण मतलब जो गांव से जुड़ा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या हो गया तो आप देखोगे शासन व्यवस्था या फिर प्रशासन जिसे कहा जाता है वो भी नहीं पता तो इसका मतलब क्या है कि कैसे चीजों को चलाया जाता है तो एकदम सिंपल ल्यूसिड वे में समझें तो चैप्टर क्या है कि गांव में कैसे व्यवस्था चलती है गांव में किस तरह से चीजों को किया जाता है अब आप बोलोगे चीजों को मतलब क्या खेती करना नहीं गांव में गवर्नमेंट कैसे चलती है अब आप बोलोगे सर हमें हमें पता है कैसे पता है तो आप बोलोगे पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आए कि वहां पर पंचायती राज सिस्टम होता है ठीक है जो पंचायती राज हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना वो क्या था पंचायती राज जो है वो ये आपको बताता है कि वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम क्या है मतलब कि वहां पे कैसे लीडर्स को चूज किया जाता है और ये जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन वाला चैप्टर ये आपको बताएगा कि लीडर्स वगैरह को तो चूज कर लिया लेकिन वहां पे गांव में काम गवर्नमेंट के लोग कौन होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स भी गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं ठीक है जैसे पंच सरपंच सचिव सेक्रेटरी आपने देखा था तो वो हमने क्या पढ़ा वहां का स्ट्रक्चर पढ़ा था यहां पे हम देखेंगे चीजें करता कौन है कैसे करता है गांव में चीजें कैसे होती है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे प्रशासन कैसे चलता है शब्द सीख लो देखो हिंदी भी सीखो इंग्लिश भी सीखो जो रीजनल लैंग्वेज है वो भी सीखो सारी लैंग्वेज सीखो ठीक है तो अब क्या है कि आपको यही चीज समझना कि अगर आप देश की बात करते हो इंडिया तो हमारे देश में कितने सारे विलेज हैं ठीक है थीके? बहुत सारे विलेजेस हैं अब इतने सारे विलेजेस हैं इतने सारे विलेजेस हैं तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता होगा ठीक आप पूरे कंट्री को अगर एक यूनिट में देखोगे तो आपको लग रहा कि हाँ पूरा देश है पूरे देश को प्राइम मिनिस्टर चला लेंगे ठीक है पूरे देश को प्राइम मिनिस्टर चला लेंगे चला लिया उन्होंने लेकिन अगर आप उस देश में और परतें हटाते जाओगे लेयर्स हटाते जाओगे तो व्हाट विल यू फाइंड ठीक है आपको क्या मिलेगा कि उस स्टेट पूरे कंट्री के अंदर स्टेट है 28 स्टेट्स हैं उन 28 स्टेट्स के अंदर हंड्रेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट है ठीक है डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी क्या है और डिवीजन करें तो तहसील है तहसील के अंदर और अंदर जाओगे तो गांव है तो लाखों गांव हैं ठीक है अब इतने सारे गांव हैं इन गांव में हर गांव में लोग रह रहे हैं और ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे लोग नहीं रह रहे हैं और गांव ही गांव गाँग है बस ठीक है तो हर गांव में जब लोग रह रहे हैं तो इतने सारे लोगों के लिए आप फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड करोगे क्वेश्चन है इतने सारे लोगों को आप हर चीज कैसे प्रोवाइड करोगे तो उसी बारे में हम क्या करेंगे देखो तो अब तो हर चीज को तो हम चैप्टर में डिस्कस नहीं कर सकते ना बुक में जितना दिया है हम उतना उससे ज्यादा ही डिस्कस करेंगे तो हम दो दो पिलर्स पे चीजों को समझेंगे मतलब रूरल एडमिनिस्ट्रेशन गांव की व्यवस्था कैसे होती है गांव का प्रशासन कैसे चलता है उसको हम दो फ्रंट्स पे देखेंगे ठीक है तो इलेक्ट्रिसिटी रोड कनेक्शन ठीक है इट इज नॉट अ स्मॉल टास्क अगर इस चीज को आप समझें कि गांव के जो लोग रह रहे हैं तो उनके कितने सारे मुद्दे हैं पानी इलेक्ट्रिसिटी रोड रोड कनेक्शन रोड पक्की सड़कें बनी हो ये सारी चीजें हो तो इन सारी चीजों का ध्यान कौन रखेगा ये एक बड़ा मुद्दा है तो इन इन सारी चीजों का ध्यान कौन रखेगा और दूसरा क्या है कि अब जैसे क्या है गांव में किसकी कितनी जमीन लैंड रिकॉर्ड अब उसके बाद में आ, ये जमीन पे अगर मान लो किसी ने कब्जा कर लिया किसी ने कब्जा नहीं किया लड़ाइया होने लगेगी तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ये बहुत सारे तरह तरह के इशू है तो ये दो सवाल की तरह है कि इन सारी बेसिक नीड्स का अब पानी खाना ये सारी चीजें तो बेसिक नीड्स है तो बेसिक नीड्स का ध्यान कौन रखता है दूसरा जैसे लैंड रिकॉर्ड पे अगर आप फोकस करोगे तो यहां पे दो चीजें हैं लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना कि किसकी कितनी जमीन है दूसरी चीज क्या है टू नीड टू बी डेल्ट विथ कन्फ्लिक्ट अगर लड़ाइया है किसी किसी प्रकार की तो उन लड़ाइयों को कैसे सुलझाया जाए ये दो इशू दो मुद्दे हैं तो इन दो मुद्दे पे ही हम क्या करेंगे चैप्टर को समझेंगे चैप्टर को इन देंस हम चैप्टर को ये देखने की कोशिश करेंगे और पटवारी तो चीजें चलती है मतलब आपका ये चैप्टर जो है वो आपको दो थ्रेड पकड़ा देगा और दो थ्रेड पकड़ के आप चलते जाना आपको चैप्टर समझ में आते जाएगा हम बेसिकली बात करेंगे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पे कि गांव में किस तरह से प्रशासन जो होता है वो चलता है क्या व्यवस्थाएं होती है ठीक है तो देर फॉर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी एसेंशियल और अगर आप देखोगे मैंने आपको जो अभी इश्यूज बताए कि इतने इतने सारे गांव हर गांव में आपको बेसिक नीड्स देना पड़ेगी तो ये बेसिक नीड्स के ध्यान देने के लिए क्या है कि आपको रूरल रूरल लेवल पे ग्रामीण लेवल पे एकदम रूट लेवल पे आर से रूरल ठीक है आर से रूट तो रूट लेवल जो हमारे देश की जो जहां पर जड़े हैं वहां तक आपको एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन समझ रहे हो ना मतलब आपको ऑफिसर्स पहुंचाने पड़ेंगे आपको रिस्पॉन्सिबल uh, पर्सन पहुंचाना पड़ेंगे जो चीजों को संभाल सके व्यवस्था देख सके ठीक है तो इसलिए क्या है चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का देखो आपने सिविक्स में जो भी पढ़ा ना उसको जोड़ते चलो हमने पहले गवर्नमेंट को समझा फिर गवर्नमेंट में हमने क्या देखा कि जो एकदम आ, बेसिक लेवल पे गवर्नमेंट रूरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को समझा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में हमने क्या देखा था पिछले चैप्टर में पंचायती राज जो सेटअप होता है वो अब वो सेटअप कैसे काम करता है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम फिर आगे हम शहर की भी बात करेंगे अभी गांव की बात करते हैं ठीक है तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो था जैसे आपको पता है हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं चैप्टर की थीम क्या है क्या पढ़ने वाले हैं आप चैप्टर में तो बेसिक थीम मैंने आपको बता दी है और क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर इस चैप्टर में हम देखो ये सारी चीजें पढ़ेंगे अ क्वैरल इन विलेज एक स्टोरी है लड़ाई चलेगी दो लोगों के बीच में ठीक है लड़ाई देखने में बड़ा मजा आता है सभी को तो वो लड़ाई में आपको बताऊंगा ठीक है लेकिन हमें वो नहीं करना चाहिए दूसरों की परेशानियों का कभी मजाक नहीं उठाना ठीक है ना वहां मजे लेना आपको ठीक ये एक लाइफ लेसन सीख के जाओ इस लेक्चर से आप अब क्या है तो अक्वारल इन दी विलेज मतलब लड़ाई जो हो रही थी तो उससे हमें क्या समझ में आएगा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में वो मैं आपको बताऊंगा एक स्टोरी सुनाऊंगा यहां पे स्टोरी सुनने में तो मजा आता है ना फिर क्या है एरिया ऑफ पुलिस स्टेशन पुलिस स्टेशन का एरिया तो यहां पे पुलिस स्टेशन देखो जो कंसेप्ट रहता है जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे एक एक चीज को एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो लेक्चर में फिर एरिया ऑफ पुलिस स्टेशन को समझेंगे कि पुलिस स्टेशन का कितना एरिया है वर्क एट दी पुलिस स्टेशन पुलिस स्टेशन में काम कैसे चलता है वो मैं आपको बताऊंगा ठीक है मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना तो आप जो मैं दो पिलर की बात कर रहा हूं तो एक पुलिस स्टेशन और एक दूसरा लैंड रिकॉर्ड्स इन दोनों चीजों को हम समझ लेंगे न्यू लॉ तो इसमें हम आपको क्या हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में, एक के बारे में एक कानून के बारे में बताऊंगा कि तो हम, हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं आई होप चीजें यहां तक क्लियर है समझ में आई है कि हम क्या करेंगे क्लियर किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पहला टॉपिक जो हमारे चैप्टर का वो स्टार्ट करेंगे ठीक है और एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जिस तरह से आप सिविक्स पढ़ रहे हो आप वैसे ही हिस्ट्री भी पढ़ते होंगे मुझे पता है जियोग्राफी भी पढ़ते होंगे और क्या क्या पढ़ सकते हैं आप साइंस मैथ्स हिंदी इंग्लिश मतलब आप सब कुछ पढ़ सकते हैं सिक्स क्लास में ही पढ़ सकते हैं क्या सर सिर्फ नहीं फोर्थ से लगा के ट्वेल्थ तक पढ़ सकते हैं तो मजे की बात क्या है कि और ये सारे जो वीडियो लेक्चर आप देख रहे हैं यूट्यूब पे ऑफिशियल वेबसाइट पे तो यहां क्या है यहां आपको सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सारे वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है जी हाँ दो बार दोहरा रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है मतलब आप अपना सिलेबस घर बैठे कंप्लीट कर सकते हैं तो आपको करना है क्या है आपको अपने जूनियर्स और सीनियर्स को बताना है बस that's it. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पहले टॉपिक के साथ इस चैप्टर के टिल देन स्टे कनेक्टेड कीप लर्निंग थैंक यू थैंक यू वेरी मच हेलो एवरीबडी दिस इज दिगराज सिंह राजपूत वेलकम टू मैग्नेट मीन इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इन दिलेज इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं देखिए और समझिए क्या है तो सबसे पहले तो शब्द आता है का मतलब मतलब क्या क्या होता है मतलब क्या होना कि झगड़ा हो जाना दो लोगों के बीच में किसी बात को लेकर मारा पीटी भी हो सकती है बातों से भी झगड़ा हो सकता है वाद विवाद हो सकता है सब कुछ हो सकता है तो अब हम क्या करने वाले हैं हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं आपको क्या करना है बढ़िया से हाथ फोल्ड करो बैठ जाओ और कहानी सुनो ठीक है कहानी सुनने में तो मजा आता है ना अब देखिए क्या है तो कहानी में दो कैरेक्टर है कौन कौन मोहन और रघु ठीक है मोहन और रघु दो तो हैं जो दोनों है ना तो ये खेत पड़ोसी हैं खेत पड़ोसी समझते हैं मतलब इन दोनों के खेत क्या है आजू बाजू में है ऐसे ठीक है अब रघु जो है ना तो रघु थोड़ा सा इंफ्लुएंशियल है इन्फ्लुएंशियल कैसे है रघु तो रघु के खेत भी ज्यादा है ठीक है रघु के कोई रिश्तेदार है जो क्या है सरपंच है गाँव के सरपंच कुछ ध्यान आया सरपंच शब्द से हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था मतलब वो गांव में एक पावरफुल पोजीशन है उनकी ठीक है उनके पास में एक अथॉरिटी लोगों ने वोट देके चुना है तो ऐसे तो देखो सभी लोग इक्वल होंगे सोसाइटी में सभी लोग इक्वल होते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो एक आम आदमी हो सभी को इक्वली ट्रीट करता है लेकिन ये थ्योरी है प्रैक्टिकली आप सभी देखते हैं कि क्या किस तरह से क्या है कि जिनके पास पावर होती है तो रिलेटिवली क्या होते हैं स्ट्रोंगर पोजिशन में होते हैं तो वही चीज होती है तो जैसे रघु के जो खेत है और मोहन के जो खेत है तो दोनों आजू बाजू में खेत है अब रघु और मोहन में क्या है कि रघु थोड़ा सा इंफ्लुएंशियल है उसके कोई रिश्तेदार जो है वो सरपंच है ठीक अब क्या होता है तो जैसे खेत जो होता है खेत के बीच में एक बाउंड्री रहती है बाउंड्री कैसी रहती है तो आप यहां पे अगर देखोगे तो आपको दिख रही है ये मतलब एक मिट्टी से ही बनी हुई होती है कोई फेंसिंग वगैरह नहीं होती है अब मिट्टी से बनी हुई रहती है तो इसे क्या कहा जाता है जैसे अलग अलग रीजनल अलग चीज कही जाती है मध्य प्रदेश में इसे मुंडेर कहते हैं ठीक है तो इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे बंड कहेंगे तो अब ये जो बॉर्डर है तो क्या होता है कि एक दिन रघु रघु क्या करता है एक दिन रघु ये जो खेत था इस तरह से ठीक है तो ये जो खेत में बॉर्डर थी तो इस बॉर्डर को थोड़ा और इधर खिसका देता है ठीक है

तो इतनी पूरी जमीन जो है मोहन की मोहन की इतनी पूरी जमीन क्या हो गई है चले गई है और किसके पास चले गई रघु के पास चले गई अब देखो क्या होता है तो रघु हैड शिफ्टेड बाय फ्यू फीट ठीक है एंड ही मैनेज टू तो टेक ओवर सम मोहन लैंड मोहन की उसने कुछ जमीन क्या कर ली छुड़ा लिए कहानी समझ आ रही है ना तो यहां तक क्या हुआ हमने देखा कि रघु और मोहन के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया हुआ ना कन्फ्लिक पैदा मोहन को दिक्कत होगी ना कि यार मेरी जमीन थी आप ले उड़े तो उस तरह से क्या होता है कि मोहन जो है तो मोहन आ, मोहन को जब ये पता चलता है तो मोहन पहले तो डरता है सोचता है मैं कैसे बोलूं रघु से गुस्सा भी आ रहा है मोहन को अंदर से बहुत क्यों क्योंकि उसके खून पसीने की जमीन है ये ठीक है उसने मेहनत करी उसकी जमीन है अब आपका कोई सामान ऐसे छुड़ा लेता है या फिर कब्जा कर लेता है तो कैसा लगेगा गुस्सा आएगा गुस्सा भी आ रहा था लेकिन मोहन कहने में डर रहा था थोड़ा सा क्यों डर रहा था क्योंकि रघु मैंने जैसे बताया थोड़ा सा इंफ्लुएंशियल था उसके रिश्तेदार क्या थे सरपंच थे तो अः मोहन ने सोचा फालतू झगड़ा होगा और वो थोड़ा पावरफुल है रघु उसके सामने मैं कैसे बोलूंगा लेकिन जमीन का सवाल था और आपने देखा होगा कि इंडिया में जैसे एक चीज समझो बच्चों ठीक है चैप्टर से अलग हटके बताता हूं इंडिया में जो फार्मर्स होते हैं तो वो अपनी जमीन को अटमोस्ट प्रायोरिटी देते हैं उनके लिए उनकी जमीन सब कुछ होती है वही चीज मोहन को भी लगा तो मोहन क्या करता है रघु के घर पे जाता है ठीक है तो ये मोहन और रघु है जैसे अब मोहन कौन है रघु कौन है अब आपने अपने हिसाब से समझ लो आप तो वो मोहन जो है रघु के घर पे जाता है और बोलता है कि तुमने ऐसा ऐसा करा है रघु वहां पे क्या बोल देता है नहीं मैंने आपकी कोई जमीन नहीं लूटी है ठीक है अब रघु साफ मना कर देता है लेकिन मोहन तो फील कर रहा है मोहन तो देख रहा है ना कि मेरी जमीन पे कब्जा किया है अब यहाँ पे यह भी हो सकता है मोहन सही है रघु सही है आपको भी नहीं पता है लेकिन रघु क्या करता है रघु जो है अपने कुछ हेल्पर्स की मदद से मोहन की पिटाई कर देता है मतलब मोहन की जमीन भी गई और मोहन की पिटाई भी हो गई ठीक है तो रघु क्या करता है मोहन के ऊपर हमला करवा देता है इनके बीच में जो झगड़ा होता है ये क्वारल जो रहती है तो इस लड़ाई का परिणाम कहां पर निकलता है कि मोहन वॉस बैडली हर्ट ऑन हिस हेड एंड हैंड ठीक है उसके हाथ में लग जाती है उसके सिर पे लग जाती है मोहन के तो मोहन को बड़ा बुरा लगता है अब क्या होता है जब ये मारा पीटी चल रही थी तो गांव वाले देखते हैं गांव वाले ऐसा नहीं है देख के ताली बजाएंगे कि मारो मारो पीटी डब्ल्यू डब्लू एफ थोड़ी हो रही है वहां पर तो गांव वाले क्या करते हैं गांव वाले छुड़वाते हैं दोनों को अलग अलग करवा देते हैं मोहन रघु को अलग करवाते हैं और वो मोहन का मलम पट्टी होती है उनकी मोहन को हाथ में लग गई है सिर में लग गई है मोहन का बचाव किया जाता है फिर सब लोग बैठे रहते हैं जब तो एक मोहन का दोस्त रहता है जो पोस्ट ऑफिस में रहता है जो थोड़ा समझदार था था पढ़ा लिखा तो वो सजेस्ट करता है मोहन को क्या कि मोहन तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और बोलना चाहिए कि मेरी जमीन पे पे कब्जा कब्जा किया है मेरी जमीन पे करने के बाद में मुझे पीटा भी है और ठीक है अब क्या होता है कुछ लोग मना बोलते हैं मोहन को कि समझ करना रघु तो पावरफुल है उसके पास पैसा है ठीक है और हो सकता है कि रघु खुद चले गया पुलिस के पास तो तुम पुलिस के पास जाओगे पुलिस तुम्हारी पिटाई कर देंगे तो इस तरह से क्या हो रहा है इस तरह से अभी कंफ्यूजन है लेकिन फाइनली क्या होता है Finally, ये decision लिया जाता है कि मोहन कहां जाएगा मोहन, कहा मोहन पुलिस स्टेशन जाएगा तो finally, वो वो क्या क्या करता है है। है? कि वो जाने वाला है. अब देखो क्या है? मैंने आपको पूरी कहानी बता दी है कहानी मैंने नरेट कर दी है कि ऐसे ऐसे इवेंट्स हुए देखो चैप्टर एस सच कोई बहुत बड़ा नहीं है चैप्टर चाहते तो हम एक वीडियो में भी कंप्लीट कर देते पूरा चैप्टर लेकिन जो फॉर्मेट है फॉर्मेट तो हम हर टॉपिक को एक अलग स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे समझेंगे तो जिससे आपको क्या हो जाएगा क्लियरिटी होती जाएगी ठीक है यहां तक कहानी समझ में आ गई आपको कि लड़ाई होती है लड़ाई का कारण क्या है जमीन है मोहन और रघु की कहानी है अब अल्टीमेटली पिक्चर खत्म कहा हो रही है हमारा बाहुबली पार्ट वन खत्म कहां पर हो रहा है कि अब ये पुलिस स्टेशन जाने वाले हैं कौन मोहन पुलिस स्टेशन जाएगा तो अब आपको यहां पे चैप्टर से रिलेट करना है बच्चों देखो हमारा चैप्टर क्या है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको स्टार्टिंग वाले वीडियो में क्या बताया था पिछले वीडियो में कि अगर कंफ्लिक्ट डेवलप होता है इस तरह से समस्याएं उत्पन्न होती है तो समस्याओं को सुलझाया कैसे जाएगा तो वहां पे हम देखते हैं कि गांव पे रूरल लेवल पे ठीक है विलेजेस में क्या होता है गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को सेटअप करके रखा है गवर्नमेंट ने अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाए गवर्नमेंट ने अलग अलग लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बेसिक नीड्स हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में उसके अलावा क्या है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट ठीक है अगर दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट अराइज होता है तो हु विल सेटल दोस्प्यूट ठीक है तो यहां पे पुलिस स्टेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल आता है और हमारी कहानी के हिसाब से अब हम क्या देखते हैं कि हमारी कहानी में जो एक कैरेक्टर है मोहन तो मोहन कहां जाएगा पुलिस स्टेशन जाएगा किस चीज के लिए ताकि उसे इंसाफ मिल सके जो डिस्प्यूट था वो सॉल्व किया जा सके उसकी जमीन का जो भी इशू था वो सुलझाया जा सके आ गया समझ में तक अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लो क्या कि मेंट ब्रेन में क्लास फोर्थ से क्लास ट्वेल्थ तक सभी सब्जेक्ट सभी चैप्टर्स सभी चैप्टर्स के टॉपिक्स सब टॉपिक्स सारा सब कुछ इसी तरह से जैसे आपने ये वीडियो लेक्चर देखा इसी तरह से एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल है आपको क्या करना है आपको बहुत आसानी से घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है कैसे ये सारे वीडियो लेक्चर्स देख के आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी मैग्नेट मैग्नेट्स के बारे में बताइए नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हमारा जो मोहन है वो पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है तो उसके बाद क्या होता है आगे आगे की कहानी अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन स्टे कनेक्टेड कीप लर्निंग थैंक यू थैंक यू वेरी मच हेलो एवरीबडी दिस इज दिगराज सिंह राजपूत वेलकम टू मैग्नेट बेन्स इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ पुलिस स्टेशन के बारे में इस टॉपिक को समझिए हम कहानी को रिलेट करेंगे हमारी ठीक है पिछले वीडियो में हमने कहानी कहां तक देखी थी मोहन और रघु की लड़ाई होती है डिशुम डिशुम अब आगे क्या होता है उसमें तो आगे ये होता है कि मोहन की पिटाई हो जाती है ठीक अब मोहन क्या डिसाइड करता है कि वो जाएगा पुलिस स्टेशन चलो ठीक है अब वो पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हुए अब क्या होता है देखो तो आफ्टर दी क्वारल मोहन डिसाइडेड टू गो टू पुलिस स्टेशन अलॉन्ग विद समी नेबर्स हु हैड सीन द इंसिडेंट अब जो इंसिडेंट मतलब क्या है कि इंसिडेंट ऐसा नहीं कोई राजक हुआ था मोहन का इंसिडेंट मतलब जो लड़ाई हुई थी किस किस के बीच में लड़ाई हुई थी मोहन और रघु के बीच में तो जो नेबर्स थे जिन्होंने आके छुड़वाया था ना मोहन की जब पिटाई हो रही थी तो वो उन्हीं नेबर्स के साथ में मोहन कहां जाता है पुलिस स्टेशन में जाता है अब आप बोलोगे नेबर्स को क्यों ले जा रहा था अकेले जाने में डर लग रहा था क्या नहीं नेबर्स को इसलिए ले जा रहा था ताकि वो क्या कर सके गवाही दे सके वहां पे बोल सके कि हाँ मतलब पुलिस वाले से जो भी पुलिस इंस्पेक्टर के पास जिससे भी आगे पहुंचेंगे ना तो पुलिस इंस्पेक्टर को वो बता सके कि हाँ ये ये हुआ था ठीक है हम क्या है वहां के चश्मदीद गवाह है सुना है हमने ऐसे मूवी में तो वो उस तरह से गवाह बना के ले जा रहा था उन्हें ठीक ये हो गया अब देखो क्या होता है जब वो जा रहे होते हैं ना तो रास्ते में हम बात करते करते जाते हैं तो जो मोहन के साथ में उसके नेबर्स थे वो नेबर्स क्या बोलते हैं कि क्यों ना हम थोड़ा पैसे लगा के टाउन चलते हैं ठीक है शहर में चलते हैं और शहर में में अच्छे पुलिस स्टेशन क्या करेंगे कंप्लेंट लिखवा के आएंगे तो मोहन मनीमन सोचता होगा कि कोई हम रेस्टोरेंट में थोड़ी ना जा रहे हैं जो अच्छा और खराब फिर मोहन क्या करता है जो भोले से नेबर्स रहते हैं उन्हें समझाता है क्या कि पुलिस स्टेशन आप ऐसा नहीं कि पैसा लगा के जाओगे बड़े पुलिस स्टेशन में या फिर बड़े शहर के पुलिस स्टेशन में जाओगे तो वहां पर ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा पुलिस स्टेशन जो आपके एरिया का है आपको कंप्लेंट वहां ही लिखवाना होगी कैसे चलो मैं समझाता हूं देखो क्या होता है जैसे मान लो कि ये पूरा आपका डिस्ट्रिक्ट है ठीक है पूरा जिला है आपका आपका कौन सा जिला है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ठीक तो तो अब ये पूरा जो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट है है ना तो इस डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि अलग अलग आप कह सकते हैं थाना एरियाज डिवाइड कर दिए जाते हैं अलग अलग रीजन को डिवाइड कर दिया जाता है ठीक है अब यहां पर एक पुलिस स्टेशन है थाना मतलब जैसे पुलिस स्टेशन हो गया तो यहां जो पुलिस स्टेशन है इस एरिया में तो इस एरिया में जो भी इंसिडेंट हो रहा है जो भी इंसिडेंट मतलब क्या है कि इस एरिया में मान लो किसी प्रकार की चोरी हो रही है इस एरिया में किसी प्रकार की लड़ाई हो गई किसी का मर्डर हो गया किसी का कुछ हो गया ठीक है तो जो भी होगा इस एरिया में तो वो सारे लोग कहा जाएंगे इस पुलिस स्टेशन में जाएंगे इस एरिया में अगर कुछ होता है तो वो इस पुलिस स्टेशन में जाएंगे मतलब पुलिस स्टेशन को क्या दे दिया जाता है स्पेसिफिक एरिया दे दिया जाता है उस एरिया में जो भी क्या हो रहा है जो भी क्राइम हो रहा है उस क्राइम को रिपोर्ट उस पुलिस स्टेशन में किया जाएगा आ गया ना समझ में ये तो एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन जो हेडिंग है अब उसको समझो आपने क्या देखा पिछले वीडियो में आपने जो कंफ्लिक्ट था वो समझा अभी इस मतलब कहानी हमारी चलती रहेगी पूरे चैप्टर में कहानी जो है हम पढ़ रहे हैं वो कहानी पूरे चैप्टर में चलती रहेगी लेकिन आपको रिलेट करते चलना है तो अभी इस इस केस में क्या देखने को मिला हमें कि जो लड़ाई हुई थी लड़ाई के बाद में जब वो पुलिस स्टेशन जा रहे थे तो कोई एक भोला सा जो नेबर था उसने उस पड़ोसी ने क्या सजेस्ट करा कि हम अच्छे पुलिस स्टेशन चलते हैं तो मोहन की स्टोरी के थ्रू में क्या समझ में आता है कि अच्छा और बुरा पुलिस स्टेशन कुछ नहीं होता है ठीक है जो एरिया रहता है उस एरिया जहां पे क्राइम हुआ है उस एरिया में जो पुलिस स्टेशन है जिस पुलिस स्टेशन के अंडर में वो एरिया आता है वहां पे वो क्राइम को क्या किया जाएगा रिकॉर्ड करवाया जाएगा आ गया समझ में आ तक चलो तो अगर सवाल यह आता है पुलिस स्टेशन तो ध्यान रखना है आपको क्या एवरी एवरी पुलिस स्टेशन हैज एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल हर पुलिस स्टेशन का एक एरिया होता है जो उसके कंट्रोल में आता है ठीक है ऑल पर्सन इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म दी पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट एक्सीडेंट इंजरी फाइट थे तो मतलब जरूरी नहीं कि जैसे मोहन ही बताए मान लो मोहन और रघु की लड़ाई हो रही बहुत भयंकर लड़ाई हो रही दोनों छोड़ ही नहीं रहे एक दूसरे को बस जान के दुश्मन बन गए तो क्या होगा कोई दौड़ते दौड़ते जाके बता सकता है तीसरा आदमी भी बता सकता है पुलिस स्टेशन में तो ये वही बताया ऑल पर्सन इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केस और इन्फॉर्म दी पुलिस ठीक है अबाउट थेफ्ट एक्सीडेंट इंजरी फाइट किसी भी तरह की अगर समस्या हो रही है तो उसके बारे में वो इन्फॉर्म कर सकते हैं इज दैट क्लियर ठीक है आगे एक और पॉइंट क्या देखो तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायर टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया अब क्या होता है कि आपने तो लड़ाई हुई है आपने जो जो भी इशू हुआ है तो वो रिपोर्ट कर दिया या फिर वो इन्फॉर्म कर दिया पुलिस को अब पुलिस आगे क्या करेगी पुलिस आगे क्या करेगी तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फिर वो जो जो भी आपके पास में रिपोर्टिंग आई है जो भी इंफॉर्मेशन आई है तो उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से पुलिस क्या करे आगे अप्रोप्रिएट एक्शन ले मतलब अब अब इस केस में क्या होना चाहिए जब मोहन जाएगा ठीक कहा है कहां गया मोहन पुलिस के पास में अभी आगे बताऊंगा उस वीडियो में मैं तो जब मोहन पुलिस के पास में जाएगा तो पुलिस क्या करेगी अब पुलिस अब उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगी अगर सच में रघु ने मोहन की पिटाई करी है मोहन की जमीन पर कब्जा किया है तो पुलिस जाके रघु के अगेंस्ट में एक्शन ले ठीक है तो इस तरह से क्या है कि पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायर पहले जानकारी भी करे ऐसा नहीं कि पुलिस बस बोल दे कि चलो मोहन कहाघु रघु रघु को डंडे मारेंगे पुलिस को पहले इंक्वायरी करना होगी ठीक है इंक्वायर टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द केस विद इन इट्स एरिया अपने एरिया के अंदर में जो भी आ रहा है वहां पे एक्शन लेना है आगे ना समझ में है? तो एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन इस टॉपिक को हमने रिलेट किया स्टोरी से अब देखो हमारी कहानी कहां तक है कहानी गाड़ी की तरह चल रही है ठीक है पहला स्टेशन पहले वीडियो में पढ़ लिया हमने दूसरे स्टेशन में हमने ये पुलिस स्टेशन का एरिया समझा अब तीसरे स्टेशन में मतलब तीसरी जो हमारी कहानी का जो तीसरा पड़ाव है जो तीसरा वीडियो लेक्चर जो तीसरा टॉपिक है उसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि पुलिस स्टेशन में क्या हुआ आखिर ठीक है ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए अब पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मतलब नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ठीक है आई होप चीजें यहां तक समझ में आई किसी प्रकार का कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन अब एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या कि मैग्नेट ब्रीन्स पे क्लास फोर्थ से क्लास ट्वेल्थ तक सभी सब्जेक्ट सभी चैप्टर्स सभी चैप्टर्स के टॉपिक्स सब टॉपिक्स सारा सब कुछ इसी तरह से वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में अवेलेबल है जिन्हें आप क्या कर सकते हैं घर बैठे आराम से देख सकते हैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं आपको करना क्या होगा आपको बस अपने जूनियर्स और सीनियर्स को मैग्नेट ब्रीन्स के बारे में बताना है होप यू आर एंजॉइंग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगला टॉपिक पढ़ेंगे कहानी ध्यान रखना टिल देन स्टे कनेक्टेड कीप लर्निंग थैंक यू थैंक यू वेरी मच हेलो एवरीबॉडी दिस इज दिगराज सिंह राजपूत वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्क एट द पुलिस स्टेशन ठीक है इस, इस टॉपिक को समझना समझने के लिए पहले आपको पुराने पार्ट्स देखना होंगे तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पीछे वाले पार्ट देख चुके हैं ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए मोहन और रघु के बीच में लड़ाई होती है लड़ाई होती है मोहन के साथ में गलत होता मोहन की पिटाई भी हो जाती है अब मोहन क्या है पुलिस स्टेशन की तरफ जाता है मोहन पुलिस स्टेशन में पहुंच गया ठीक है तो यहां पे क्या है आफ्टर रीचिंग पुलिस स्टेशन मोहन पुलिस स्टेशन में आ गया ठीक अब क्या होता है मोहन वेंट टू पर्सन इन चार्ज अब पुलिस पुलिस स्टेशन स्टेशन में या में या किसी के पास भी चले जाओगे बोलोगे कि भैया भैया हमारी पिटाई हो गई हमारी कंप्लेंट लिख लो नहीं एक सिस्टम होता है ना तो जो भी पर्सन इन चार्ज है मतलब कि जिसके पास में रिपोर्ट लिखवाई जाएगी तो इस केस में क्या है मोहन किसके पास जाता है स्टेशन हाउस ऑफिसर और एस अब देखो आप है ना एक काम करेंगे चलो आपको मैं एक होमवर्क देता हूं सभी बच्चों को एक होमवर्क दे रहा हूं अपने घर पे जाके करना है ये होमवर्क क्या होमवर्क है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठेंगे और पेरेंट्स के साथ बैठने के बाद में आप क्या करेंगे अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि बताओ हमें अलग अलग रैंक क्या होती है पुलिस स्टेशन में पुलिस तो बहुत सारे होते हैं आपने देखा होगा किसी को यहाँ पे रेड कलर की स्ट्रिप होती है किसी के यहाँ पे स्टार होते हैं किसी के स्टार नहीं होते हैं ठीक है आप देखोगे तो किसी को तलवार वाला भी स्टार ऐसा होता है कुछ किसी में अशोक एम्लम होता है तो वो क्या होता है वो उनकी अलग अलग हैरारकी होती है पुलिस स्टेशन में भी जो ऑफिसर्स होते हैं तो उनके अलग अलग पोजिशन होते हैं किसी के एक स्टार होता है किसी के तीन स्टार होते हैं किसी के दो स्टार होते हैं तो अब आपको क्या करना है? अपने पेरेंट्स से, पेरेंट से आप जानकारी गया आप करिएगा जरूर ठीक अब देखो क्या है तो हम अगर कहानी में देखें तो क्या होता है कि पुलिस स्टेशन पुलिस स्टेशन जाने के बाद में वो जो भी ऑफिसर इंचार्ज रहता है उसके पास जाके अपनी कंप्लेन लिखवाता है कौन मोहन अब होता क्या है कि रिएक्शन ऑफ द दर एसएचओ जिसके पास मोहन गया है कि हमारी कंप्लेंट लिख लो तो वो एस एच ओ जो, है, जो बैठा है ये मोहन है है ठीक तो अब एस एचओ क्या करता है मना कर देता है मना कैसे करता है वो तो वो क्या करता है रूडली बिहेव करता है और बोल देता है कि इतनी छोटे से मुद्दे पे कंप्लेंट नहीं लिखते हैं छोटा सा मुद्दा है तुम मेरा टाइम मत वेस्ट करो मैं बहुत बिजी इंसान हूं इस तरह से रूडली क्या करता है पुलिस वाला जो रहता है वो मोहन को अलग कर देता है ठीक है तो मोहन को बड़ा डिसमेंट फील होता है मोहन बोलता है यार मेरी पिटाई हो गई मेरी जमीन चले गई और ये महाशय हमारी कंप्लेंट नहीं लिख रहे हैं तो मोहन को बुरा लगता है मोहन मनी मन सोच रहा था क्या आखिर ऐसा क्या हो गया मेरी कंप्लेंट क्यों नहीं लिख रहे हैं ठीक है थीके? तो इस तरह से मोहन सोच रहा था फिर मोहन बाहर निकलता है तो मोहन के साथ में जो उसके नेबर्स आए हुए रहते हैं ना अब मोहन बोलता है संगठन में शक्ति है ठीक है तो मोहन सबको साथ लेके जाता है अंदर और फिर वापस से ऑफिस में जाता है और फिर इंसिस्ट करता है क्या कि मेरी कंप्लेंट लिखो आप क्यों क्यों क्योंकि अब नेबर्स जो आए थे मोहन के साथ में तो मोहन के नेबर्स क्या करते हैं पूरी कहानी बताते हैं पुलिस ऑफिसर को क्या कहानी बताते हैं तो नेबर्स बताते हैं कि हाँ इस तरह से रघु और इसकी जमीन पास पास में है ठीक है रघु ने जमीन आ, क्या कर लिया बॉर्डर खिसका ली इधर जो बंड है वो इधर खिसका लिया जिसके चलते क्या है कि मोहन ने जब बोला तो रघु ने उसकी पिटाई करवा दी हम सभी ने देखा था और ठीक है तो अब ये वजन पड़ता है कि हाँ हम सब ने देखा था मोहन के साथ गलत हुआ आप कंप्लेंट लिखो हम बीच में नहीं जाते तो मोहन को तो मार ही डालता है वो तो इस तरह से क्या है जब प्रेशर बनाया किसने जब प्रेशर बनाया नेबर्स ने तो उस तरह से फिर क्या होता मोहन की कंप्लेंट लिखी जाती है अब आप सोच रहे होंगे कि कि कंप्लेंट लिखने वाली बात क्यों हो रही है यहां पे तो इस चीज को भी समझ लो क्या कि जब तक आप कंप्लेंट नहीं लिखवाओगे पुलिस एक्शन नहीं लेगी ठीक है तो यहां पर जब मोहन अपनी कंप्लेन क्या करवाएगा रजिस्टर करवाएगा पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ना क्या कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दी ये यहाँ पे सो तो एवरी पुलिस स्टेशन हैज एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल तो वाला एरिया उस पुलिस स्टेशन के अंडर में आता था और अब क्या होगा कि ऑल पर्सन इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केस और इनफॉर्म तो जो रिपोर्ट केस है ना ये जरूरी है अगर आप जब तक केस रिपोर्ट नहीं करवाओगे तब तक पुलिस एक्शन कैसे लेगी तो यहां पे क्या होता है जब मोहन ने अपना केस रिपोर्ट करवाया तब पुलिस एक्शन लेगी तो अब जब नेबर्स ने प्रेशर बनवाया ठीक है तो तब पुलिस ने अपनी कंप्लेंट लिखी मतलब मोहन की कंप्लेंट लिखी और ये प्रॉमिस किया कि अभी आप सब जाओ घर कल मैं कांस्टेबल को लेकर आता हूं अपने साथ मतलब एक रैंक हो गई है ठीक है हम क्या करेंगे इन्वेस्टिगेट करेंगे ये भी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि बिना इन्वेस्टिगेशन के ऐसा नहीं है कि बस मोहन ने बोल दिया और पुलिस डंडे लेके पहुंच जाए कहां है रघु बाहर निकल ठीक है पुलिस क्या करेगी पहले इन्वेस्टिगेट करेगी पुलिस ये पता लगाएगी कि क्या सच में कुछ गड़बड़ हुआ था नहीं हुआ था क्या सच में लड़ाई हुई थी नहीं हुई थी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद में फिर एक्शन लेगी ठीक है वही चीज क्या होगी मतलब अब अगर आप समझेंगे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन अब चैप्टर के साथ जोड़ो तो कहानी का एक पार्ट खत्म हो गया है यहां पे तो अगर आप देखेंगे कि रूरल लेवल पे चीजों को संभालने के लिए ग्रामीण लेवल पे ठीक है गांव में गांव के स्तर पे अगर चीजों को संभालना है तो वहां पे गवर्नमेंट क्या करे गवर्नमेंट इस तरह से पुलिस स्टेशन लगाए ताकि क्या हो ताकि बहुत आसानी से लोगों को न्याय मिल सके कंफ्लिक्ट है अगर लड़ाइयां हैं तो लड़ाइयों को सुलझाया जा सके अब आप सोच रहे कि लड़ाई को तो हम वैसे भी रोक सकते थे अगर जमीन का प्रॉपर क्या रहता है डिमार्केशन रहता है चलो जमीन का डिमार्केशन मतलब क्या है कि जमीन किसकी कितनी है अगर हमें पता रहे लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाए ठीक है अगर जमीन किसकी कितनी है ये पता रहे हमें तो लड़ाई दंगे होंगे ही नहीं ठीक है तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए क्या होता है उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक्शन लेती है पुलिस आ, मतलब पुलिस और गवर्नमेंट भी एक्शन लेती है गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ठीक तो मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स और डिस्प्यूट सेटलमेंट दो पिलर्स पे हम पढ़ने की बात कर रहे थे तो आपने इस वीडियो तक क्या देख लिया कि हाँ किस तरह से पुलिस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अब नेक्स्ट वीडियो में हम कहानी आगे बढ़ाएंगे ठीक है अच्छा एक चीज और यहां पर ध्यान रखना कि पुलिस ने पहले मना क्यों किया गया होगा तो ये आपको कहानी के बीच बीच में जो छोटी छोटी बातें रहती वो बताती है क्या कि मैंने आपको बताया था रघु जो था इन्फ्लुशियल था उसके कोई रिश्तेदार सरपंच सर्प, थे तो उसके चलते क्या है कि पुलिस ने भी ये सोचा कि यार ये इन्फ्लुएंशियल इंसान है तो इसके अगेंस्ट में रिपोर्ट ना लिखूं मैं कंप्लेंट ना लिखूं लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि हर इंसान की सुनना पड़ती है क्यों क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो सभी को इक्वली रिकोगनाइज करता है ना वही चीज है यहां पे क्लियर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे कहानी पढ़ेंगे आई होप यू एंजॉयड इट यहां तक चीजें समझ में आई है किसी प्रकार के डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन मैग्नेट बेन्स पे क्लास फोर्थ से क्लास ट्वेल्थ तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स चैप्टर्स चैप्टर्स के टॉपिक्स सब टॉपिक्स सारा सब कुछ सिस्टमेटिक वे में एक अरेंज फॉर्मेट के थ्रू ठीक है वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में अवेलेबल है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं मजे की बात क्या है कि सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपको क्या करना है आपको अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी बताना है मैग्नेट ब्रीन के बारे में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ टिल देन स्टे कनेक्टेड कीप लर्निंग थैंक यू थैंक यू वेरी मच हेलो एवरीबडी दिस इज दिगराज सिंह राजपूत वेलकम टू मैग्नेट ब्रीन इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना यह भी एक इंपॉर्टेंट काम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पिछले वीडियो तक हमने जो कहानी पढ़ी तो उस कहानी से आपको एक चीज समझ में आई है कि किस तरह से रूरल लेवल पे गांव में ठीक है गांव में अगर लोगों के बीच में कंफ्लिक्ट होते हैं लोगों के बीच में दो विवाद होते हैं क्वैरल हो जाती हैं जैसे लड़ाइया हो गई थी किसके बीच में रघु और मोहन के बीच में तब गवर्नमेंट का क्या सिस्टम है वहां पे तो गवर्नमेंट ने पुलिस स्टेशन लगा के रखे हैं ताकि लोगों की लड़ाइयों को सुलझाया जा सके ठीक चलो अब आप सोच रहे होंगे आपने पूरी कहानी सुन लिए समझ लिए पढ़ लिए ठीक है अब आप सोच रहे होंगे हु वॉस राइट सही कौन था रघु सही था या मोहन सही था क्योंकि दोनों की अपनी अपनी कहानी थी ठीक है क्योंकि रघु ने तो साफ मना कर दिया क्या कर दिया उसने उसने कह दिया कि नहीं भैया हमने जमीन पे कब्जा नहीं किया था ठीक है हमने जमीन पे कब्जा नहीं किया रघु ने ये बोल दिया लेकिन मोहन बोल रहा जमीन मेरी थी अब सवाल ये आता है कि कौन सही है मोहन भी तो झूठ बोल सकता है इसीलिए इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस ठीक है तो अब एक सवाल ये भी आता है दूसरा ये भी आता है कि मोहन सही है या रघु सही है अब इसे दूसरे एंगल से अगर देखें तो इज इन देयर अ वे बाय विच हैव सेटल दिस डिस्प्यूट इन अ पीसफुल मैनर अब ये जो डिस्प्यूट था रघु बोल रहा है कि मेरी जमीन है मोहन बोल रहा है मेरी जमीन है तो इस डिस्प्यूट को पीसफुली शांतिपूर्ण तरीके से हम खत्म नहीं कर सकते थे क्या कोई तरीका नहीं था क्या इस चीज के लिए जी हां तरीका है या नहीं है उसी चीज के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जैसे आपने टॉपिक देखा क्या मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स मतलब क्या है कि किसकी जमीन कितनी है ये अगर पहले से पता हो फॉर एग्जाम्पल कि मोहन की कितनी जमीन है रघु की कितनी जमीन है यह पहले से पता हो तो लड़ाई होती ही नहीं, नहीं होती ना वही चीज हम इस चैप्टर इस वीडियो में समझेंगे देखो तो आर देयर रिकॉर्ड शो हु ओन्स वॉट लैंड इन दिलेज क्या कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास जो ये बता सके कि, कि किसके पास कितनी जमीन है ठीक है मोहन की जमीन कितनी रघु की जमीन कितनी है ठीक है ताकि क्या हो होगी अगर ऐसे डिस्प्यूट हो तो बिना लड़े भिड़े पीसफुली उन्हें निपटाया जा सके उन्हें खत्म किया जा सके वही चीज हम पढ़ेंगे देखो तो मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स ज दी मेन वर्क ऑफ पटवारी तो यहां पे आपको सोल्यूशन मिलेगा इन सवालों का इन क्वेश्चन का क्या कि कौन सही है कौन गलत है क्या इस चीज को पीसफुली नहीं सुलझाया जा सकता था क्या कोई डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू हमें ये पता लग जाए कि किसके पास कितनी जमीन है देखो अगर आपको पता है कि किसके पास कितनी जमीन है तो आप डिस्प्यूट को वहीं खत्म कर सकते हो आप बोल सकते हो कि नहीं नहीं रघु गलत कर रहा है रघु जमीन ज्यादा हड़प रहा है ये इतनी जमीन मोहन की है इस रिकॉर्ड के हिसाब से तो ये लिखा है, है ना तो वही चीज यहां पर क्या कि एडमिनिस्ट्रेशन तो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मतलब गांव में किस तरह से चीजें चलेगी ठीक है किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होगा उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पटवारी पटवारी ठीक है तो रूरल लेवल पे Uh, पटवारी एक ऐसा ऑफिसर है जो क्या करता है लैंड को मेजर करता है अब आप बोलोगे कैसे मेजर करता है तो ऐसा मेजर करता है एक दो नहीं उसके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं आगे बताऊंगा मैं आपको ठीक है तो पटवारी क्या करता है लैंड को मेजर करता है और वो रिकॉर्ड रखता है अपने पास कि किसके पास कितनी जमीन है किसकी कौन सी जमीन है किसका कितना हक है किस जमीन पे ये काम होता है पटवारी का तो दी पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स ठीक है इन सम विलेजेस सच ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल पटवारी को अलग अलग नामों से जाना जाता है कुछ गाँव में क्या कहते हैं पटवारी को लेखपाल कहते हैं ठीक है इन अदर आ, कुछ गांव में क्या कहते हैं कनुगो और कर्मचारी और विलेज ठीक है और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर तो देख लो कितने सारे नाम है पटवारी के पटवारी एक होता है लेखपाल एक होता है ठीक है कनुगो एक होता है कर्मचारी एक होता है विलेज ऑफिसर एक होता है तो इतने सारे नाम होते हैं अलग अलग नामों से जाना जाता है लेकिन काम क्या होता है काम एक ही नाम अनेक काम एक नाम नाम अनेक मतलब ये इतने सारे नाम और काम एक मतलब क्या है काम ये होता है कि लैंड को मेजर करना लैंड का रिकॉर्ड रखना ये काम होता है पटवारी का ठीक है तो ईच पटवारी इज पटवारीबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस अब क्या है अब अब आप देखोगे तो तो अपना देश देश तो इतना बड़ा बड़ा है है बहुत सा हमारा अब इतने बड़े देश में इतने सारे स्टेट ट्वेंटी एट स्टेट्स है स्टेट्स के अंदर भी क्या है अलग अलग आप देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी क्या है विलेज है अब एक पटवारी पूरा देश थोड़ी ना संभाल सकता है तो पटवारी भी बहुत सारे हैं और हर पटवारी को एक ग्रुप ऑफ विलेज दे दिया जाता है बोल दिया जाता है कि भैया तुम तुम्हें चार या पांच का क्या करना है तुम्हें रिकॉर्ड रखना है तो इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे जाती है हर पटवारी को ठीक है तो ईच पटवारी इज पटवारीबल फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑफ विलेजेस ठीक है द द द पटवारी मेंटेन्स एंड विलेज पटवारी क्या करता है वो हर गांव का रिकॉर्ड जो है उसे मेंटेन करके रखता है ठीक है हर गांव के मतलब क्या करता है वो अपडेट uh, करना भी यहां पे ये भी इंपॉर्टेंट है जैसे मान लो अब क्या होता है कि मान लो मोहन ने रघु को जमीन बेच दी है तो पटवारी फिर वो ये भी चेंजेस करता है कि हाँ ये जमीन बिक चुकी है ठीक है ये जमीन अब रघु ने खरीद ली है ऐसे तो वो सारी चीजें करता है क्लियर है अब सवाल यह आता है हाउ डू पटवारी मेंटेन लैंड रिकॉर्ड पटवारी सारी चीजें मैनेज कैसे करता है पटवारी कैसे नापता है जमीन को तो यहां पर वही बताया गया है पटवारी प्रिपेयर मैप्स एंड अदर डिटेल्स विच हेल्प हिम इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड तो पटवारी क्या करता है देखो यहां पर दिया है पटवारी इस तरह से मैप्स बनाता है ये मैप हो गया ठीक है दूसरे रिकॉर्ड्स रखता है वो अपने पास इस तरह से रिकॉर्ड रखता है तो जैसे अगर आप देखोगे यहां पे दिया है पटवारी ने क्या कर दिया नंबर वन जो है जीरो पॉइंट सेवन पॉइंट जीरो पॉइंट सेवन फाइव हेक्टर जो है वो मोहन की जमीन है मोहन के पिताजी का नाम सारा सब कुछ लिख लिया तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इतनी जमीन जो है मोहन की है ठीक है फिर रघु की जमीन तो नीचे रघु की इतनी जमीन है इस तरह से पटवारी क्या करता है लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है मैप्स बनाता है रिकॉर्ड रखता है अपने पास जैसे उसको क्या कहते हैं खसरा पटवारी के पास में खसरा होता है कि किसके पास कितनी जमीन है इन सारी चीजों का ठीक है यह हो गया अब आप बोलोगे पटवारी जमीन को नाप के कैसे रखता है तो दी पटवारी यूजअली हैज वे ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड एग्रीकल्चरल फील्ड को मेजर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं बटवारी के पास ठीक है आज तो टेक्नोलॉजी की मदद से वो कंप्यूटर के थ्रू मेजर कर लेते हैं लेकिन जैसे एक ट्रेडिशनल जो तरीका चला आ रहा है तो क्या इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज यूज ठीक है तो ये क्या होता है ऐसी चेन होती है देखो इसमें फोटोग्राफ मिला ये बताता हूं ये चेन होती है अब आपको दिख रहा है फोल्डेड है इसे खोलते जाओगे ना तो हर चेन में क्या है ये यहां पे आप हर चेन में आपको एक स्टिक देखने को मिलेगी ठीक है इसे कड़ी कहते हैं हिंदी में और ये पूरी जो चेन होती है इसे जरीब कहते हैं हिंदी में ठीक है तो एक जरीब होती है एक जरीब में क्या होता है इससे जमीन नापी जा, जाती है कि कितना लैंड है किसके पास में इस चेन के थ्रू जिसे जरीब कहते हैं उससे जमीन नापी जाती है ठीक है जमीन को क्या किया जाता है तो मेजर किया जाता था पटवारी यूजुअली हैज वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड्स इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज यूज्ड ठीक है अब रिलेट द स्टोरी ऑफ रघु एंड मोहन तो अब रघु और मोहन के केस में क्या है कि पटवारी क्या करेगा यहां पे पटवारी एक तरह से जैसे इनके बीच में डिस्प्यूट है ना तो मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स जब लैंड रिकॉर्ड्स को आप मेंटेन करके रखोगे तो उसका एक फायदा ये होने वाला है कि रघु और मोहन के बीच का डिस्प्यूट ऐसे सॉल्व हो जाएगा कि पटवारी क्या करने वाला है अब वो उसने मेजर कर करके रखी है चेन की मदद से उसने जमीन नाप के रखी है अब ये दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ पुलिस के पास गए पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करवाएगी पुलिस देखेगी पटवारी की रिपोर्ट पटवारी की रिपोर्ट के हिसाब से 0.75 हेक्टर जमीन होना चाहिए थी मोहन की ठीक है वो नापेगी अगर कम है तो मतलब किसी ने उसकी जमीन पे कब्जा किया है किसने किया है तो फिर वो रघु की जमीन भी ना पाएंगे और रघु की अगर ज्यादा निकल गई तो मतलब रघु ने कब्जा किया है ऐसे आसान हो जाती है चीजें जब आप क्या रखते हो एक रिकॉर्ड रखते हो रिकॉर्ड ऐसा पहले से रहेगा आपके पास तो चीजें आसान रहेगी ठीक आगे समझ में ये अब यहां पे क्या है तो देखो दी पटवारी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग दी कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू From the दी फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग to टू government अबाउट दी क्रॉप ग्रोन इन दिस year. देखो पटवारी का एक और इंपॉर्टेंट काम होता है कि आपने लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखता है वहां तक तो ठीक है, है वो क्या करता है लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखता है कि हमें कल को कंफ्लिक्ट होता है तो हमें पता रहा है किसके पास कितनी जमीन है ये तो एक काम हो गया दूसरा काम उसका यह भी है कि वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है जैसे टैक्स लग रहा है मान लो तो टैक्स लगेगा तो हमें यह भी पता होना चाहिए ना किसके पास कितनी जमीन है उस हिसाब से टैक्स लगाएंगे तो पटवारी वो काम भी करता है साथ ही साथ में क्या करता है पटवारी गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे मतलब मेरे अंडर में जितने गांव आ रहे हैं जैसे एक ये पटवारी है पटवारी का नाम क्या हो गया मोहन नहीं मोहन नहीं पटवारी का नाम हम मदन रख देते हैं ठीक है अब मदन जो है हमारा पटवारी उसके पास में क्या है उसके पास में ये आ, तीन गांव है मान लो ठीक है तो अब इन तीन गांव में जो खेत है ना ये इतने सारे खेत तो किस खेत में कौन सी फसल लगाई जा रही है इस साल उस चीज का रिकॉर्ड भी रखता है पटवारी सर्वे करता है मतलब ऑन ग्राउंड पर जाके देखता है कि यहाँ ये जमीन है यहाँ ये जमीन है यहाँ ये जमीन है तो अब क्या करता है पटवारी सारी फसलों का एक रिकॉर्ड रखता है अपने पास और उन उस रिकॉर्ड को वो गवर्नमेंट को देता है और आपने सुना होगा ना ऐसा न्यूज में आता है कि इस बार हमारे यहां इतनी फसल गेहूं की लगाई गई है इस बार हमारे यहां इतनी फसल चने की लगाई गई है तो वो पटवारी मदद करता है गवर्नमेंट को ये डेटा पहुंचाने में ये ये फैक्ट्स ये सारा पूरा कलेक्शन जो रहता है डेटा का तो वो पटवारी पहुंचाता है गवर्नमेंट तक इस तरह से पटवारी का, का एक काम ये भी होता है इंपॉर्टेंट ठीक है तो हाउ डू पटवारी मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स ये आ गया समझ में आपको तो वो क्या करता है मैप्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह की मदद करता है जमीन नापने के लिए चेन यूज करता है और साथ ही साथ पटवारी का इंपॉर्टेंट काम होता है कि तो पटवारी इंपॉर्टेंट का है और भी बहुत है क्योंकि जो आगे हमने समस्या देखी लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो सकते हैं तो उन डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पटवारी ठीक है अब आगे क्या है तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर फॉर पटवारी ठीक है फॉर पटवारी टू रेगुलरली अपडेट दीज रिकॉर्ड अब सवाल यह आता है कि पटवारी के लिए जरूरी क्यों है कि वो बार बार अपडेट करे समझना इस चीज को क्या होता है तो फार्मर्स में चेंज द्रॉपर फील्ड की खेती कर ली अब अगले साल हमें ऐसा मन हो रहा है क्या कि हम चने की खेती करेंगे तो फार्मर्स क्या कर सकते हैं अपना क्रॉपिंग पैटर्न बदल सकते हैं और पटवारी अगर पुराने रिकॉर्ड ही देता रहेगा तो गवर्नमेंट की कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी नहीं होगी बताओ हो जाएगी तो इसके लिए क्या है कि इट इज एसेंशियल दैट पटवारी अपडेट्स इट्स रिकॉर्ड्स वो अपने रिकॉर्ड को अपडेट करता रहे अगली चीज क्या है डिग अ वेल समवेयर ठीक है अब जैसे आप यहां देखोगे तो क्या होता है कि ये आपको यहां पे कुआ दिख रहा है एक ताल, आ, मतलब एक कुआ वेल दिख रहा है अब क्या होता है कि हो सकता है कि, कि किसी ने ये वेल पहले था ही नहीं ये रघु के खेत में खे, रघु ने क्या है इस साल एक वेल करवाया है तो क्या होगा कि इस तरह से ये रिकॉर्ड जो मेंटेन करना जरूरी है ठीक है कोई इस तरह से क्या है कुआ बनवा सकता है कोई तालाब मान लो रघु की क्षय का एक बड़ा तालाब बनवाना चाह रहा है तो यह पता रहना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में रहना चाहिए ना कि हमारे यहां कितनी जमीनों पर कितने कुएं हैं कितने तालाब हैं वो जरूरी है ठीक है तो इस तरह से क्या है कि पटवारी को अपने रिकॉर्ड्स को बार बार अपडेट करके रखना होगा क्लियर समन में डिग अ वेल समवेयर तो सीनियर अब क्या होता है देखो ये पटवारी मैंने आपको बताया कि विलेज लेवल पे काम कर रहा है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन विलेज लेवल पे अब यही आगे तक गई है मतलब तो, पटवारी का, का क्या काम होता है पटवारी का काम लैंड ठीक है पूरा मैप और सारी डिटेल्स रखना अपने पास फिर उसके बाद में लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना इतना सारे काम होते हैं तो इन कामों को सुपरवाइज कौन करता है जैसे आप मान लो कि ये क्या है ये चार विलेज है ये एक पटवारी देख रहा है ये चार विलेज है ये दूसरा पटवारी देख रहा है ये चार विलेज है ये तीसरा पटवारी देख रहा है अब ये इतने सारे पटवारी होगा तो इन सभी पटवारियों को एक हायर लेवल पे जो ऑफिसर होगा वो देखेगा ठीक है तो पटवारी के ऊपर भी क्या होते हैं ऑफिसर्स होते हैं जो क्या करते हैं जो फिर ऊपर से बड़े लेवल पे तहसील लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस तरह से हरार की बढ़ते चले जाती है तो सीनियर पीपल इन डिपार्टमेंट सुपरवाइज दी दटवारी वर्क जैसे अगर आप समझोगे तो ये और आसान कर देते हैं हम क्या होता है कि हमारी कंट्री है कंट्री में स्टेट्स हैं स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट है ठीक है ये पूरी कंट्री कंट्री में स्टेट्स स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट अब डिस्ट्रिक्ट को भी आप सब डिवाइड कर दो किसमें तहसील में अब एक और होमवर्क देता हूं आपको क्या कि अपने पेरेंट्स से पूछोगे कि आपका डिस्ट्रिक्ट तो आपको पता चल गया चलो पिछले वीडियो में, में मैंने बोला था कि आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है अपने पेरेंट्स से पूछना कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है डिस्ट्रिक्ट के बाद में आप ये पता करेंगे कि आपकी तहसील कौन सी है और तहसील मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपकी हाँ आपकी ये तहसील है ठीक है तो क्या होता है तहसील होती है अब तहसील के बाद में आगे क्या है तो इस तरह से ये डिवीजन हो गया अब पटवारी तो कहां पे है तहसील के अंदर भी क्या होंगे बहुत सारे गांव होंगे ठीक है 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 ये जो सब सब डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट के सब के अंदर भी बहुत सारे गांव होने होने वाले होने वाले विलेजेस 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 तो उन उन में में क्या होता पटवारी रखता है पूरी चीजों की निगरानी फिर विलेज के ऊपर जैसे तहसील है तो तहसील में अलग ऑफिसर होंगे तहसीलदार वगैरह ठीक है तो उनके बारे में हम आगे देखते हैं लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो इस लेवल पे जैसे देखें हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेड कौन होता है गवर्नमेंट का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गवर्नमेंट का हेड होता है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज रिस्पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी इज टेकिंग प्लेस इन दी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में जो भी काम होगा वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर संभालेगा आगे देखो इससे चीजें और समझ में आ जाएगी क्या तो एट दी हेड इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है जैसे एक कंट्री कंट्री के अंदर स्टेट स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट तो ये सब हटा देते हैं हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता है कलेक्टर समझ के रखना इस चीज को हमेशा कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज्यादा पावर एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में ये जो हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं ना तो पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालने की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सबसे ज्यादा मजबूत पावर किसके पास होती है कलेक्टर के पास में बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें कलेक्टर बनना है कौन कौन है बताना मुझे कमेंट सेक्शन में तो डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पावर कलेक्टर के पास हो गई है तो एट दी हेड इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हर आर दी रेवेन्यू ऑफिसर ऑल्सो नोनस तहसीलदार तो अब जैसे मैंने आपको तहसील के बारे में बताया था ना अभी तो तहसील पे हेड कौन बनता है तहसील का हेड कौन होता है तहसीलदार तहसीलदार तहसील का हेड होता है ठीक है तो जैसे जो डिस्ट्रिक्ट के और आप सब डिविजन कर दोगे डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट है आप को आपने क्या कर दिया तीन तहसील में बांट दिया तो तहसील का हेड कौन होगा तहसीलदार होगा तहसीलदार के अंदर में फिर कौन आ जाएंगे पटवारी आ जाएंगे जो गांव पे काम करेंगे ठीक है तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी तहसील और तहसील का जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है जो सारे जमीन के काम काज संभालता है ठीक है वो कौन होता है तहसीलदार होता है ध्यान रहेगा तो जैसे पता करना अपने पेरेंट्स से कि तहसीलदार हमारी तहसील कौन सी है हमारा तहसीलदार कौन है हमारे डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर कौन है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो इस तरह से आपको क्या है इन सारी चीजों का नॉलेज रखना चाहिए ठीक है पढ़ते हो ना किताब में जो पढ़ते हो वो बाहर भी तो है सोशल साइंस में सबसे मजेदार बात क्या है कि आप जो भी किताब में पढ़ रहे हो वो सारी चीजें आपको बाहर आपके सामने जीती हुई दिखेगी तो उन्हें देखो समझो और एनालाइज करो ठीक है तो ये हो गया अब क्या होता है तो ये लोग काम क्या करते देखो ये मैंने सीनियर ऑफिसर्स है, है पटवारी से सीनियर ऑफिसर है इनका काम क्या होता है तो दे हैव टू हियर डिस्प्यूट कोई अगर समस्या हुई है लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट है जैसे रघु और मोहन का केस नहीं सुलझ रहा होता तो वो हायर लेवल तक जाते तो वहां पे क्या है कि ये लोग डिस्प्यूट सुनते हैं दे ऑल्सो सुपरवाइज दी वर्क ऑफ पटवारी ठीक है तो पटवारी के जो काम है तो पटवारी सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं वो लोगों की मदद कर रहा है कि नहीं वो सही काम कर रहा है कि नहीं तो वो काम भी सीनियर ऑफिसर्स देखते हैं एंड एनश्योर दैट रिकॉर्ड आर प्रॉपरली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली रखा जाए और लैंड रेवेन्यू प्रॉपरली कलेक्ट किया जाए इन सारी चीजों की जिम्मेदारी कौन लेता है पटवारी लेता है फिर क्या है मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन इजीली ऑप्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड पटवारी जो रहते मतलब ये जो आ, हायर ऑफिसर्स होते हैं सीनियर ऑफिसर्स होते हैं तो ये इंश्योर करते हैं कि किसानों को क्या मिल जाए कॉपी मिल जाए अब आप बोलोगे कि किसान कॉपी पेन का क्या करेंगे वो वाली कॉपी नहीं है कॉपी मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको ये दिखाया ना कि ये जैसे डॉक्यूमेंट है कि किसकी कितनी जमीन है खसरा रिपोर्ट कहते हैं तो एक खसरा रिपोर्ट किसानों को भी जरूरत पड़ सकती है अगर किसानों को लोन लेना है किसानों को अगर मान लीजिए क्या है कि अपने रिकॉर्ड रखना है तो ये इंश्योर करते हैं सीनियर ऑफिसर्स किसानों को इस तरह से उनके डॉक्यूमेंट्स मिल जाए ठीक है दे मेक श्योर दैट फार्मर्स कैन ईजिली ऑप्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड स्टूडेंट कैन ऑप्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट्स अब आप जैसे देखोगे तो गांव में क्या रह रहे हैं किसान रह रहे हैं किसान के बच्चे हैं उन्हें उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा उनका ठीक है मान लो कोई एग्जाम ही देना है कहीं स्कूल चेंज करना है तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं ना वो डॉक्यूमेंट्स राशन कार्ड ये सब चीजें बनाने का काम किसका होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का होता है या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन सारी चीजों को सुपरवाइज करते हैं खुद नहीं बैठ के बनाएंगे वो देखते हैं कि सारे लोग अपना काम करते रहे सही तरह से ठीक है दी तहसीलदार ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट आर ऑल्सो हर्ड और तहसीलदार का स्पेसिफिकली क्या होता है तहसीलदार के ऑफिस को अगर आप समझोगे ना तो क्या होता है न्यायालय एवं कार्यालय जैसे लिखा है यहां पे तो यहां पे डिस्प्यूट्स ही सुने जाते हैं कि, कि किसको क्या समस्या है बताओ किसकी जमीन में किसने कब्जा कर लिया किसकी जमीन में क्या प्रॉब्लम आ रही है तो ये लैंड डिस्प्यूट जो होते हैं तो उन्हें सुनने का काम तहसीलदार का होता है अब मैंने आपको इस वीडियो में कितनी सारी डिटेल्स बताई है बहुत सारी ठीक है मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स में हमने देखा कि किस तरह से लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं ग्राउंड लेवल पे रूट लेवल पे पटवारी काम करता है पटवारी के ऊपर सीनियर ऑफिसर्स की हरार की होती है वो सारी चीजें भी समझाई और बहुत सारे होमवर्क भी दिए हैं सारी चीजें आपको करना है आई होप सब कुछ समझ में आया है मजा आया है किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है और आपने टॉपिक को एंजॉय किया है तो अब देखो क्या है हमारा चैप्टर लगभग लगभग खत्म हो गया लास्ट वीडियो लेक्चर में अब हम कुछ एक लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा तो यहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है किसी प्रकार के डाउट है फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन

किस तरह से एक ग्रामीण क्षेत्र में पूरी व्यवस्था चलती है वो चीज मैंने आपको बताई और समझाई तो जिसमें मैंने आपको क्या क्या बताया जिसमें मैंने बताया कि आ, ग्राउंड लेवल पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या करके रखा है ग्राउंड लेवल पे अगर रूरल एरियाज की बात की जाए गांव की बात की जाए तो गांव में समस्याओं के समाधान के लिए पुलिस स्टेशन होता है ठीक है लैंड रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करने के लिए पिछले वीडियो में बताया कि पटवारी का काम होता है तो इस तरह से चीजें चलती है हमारा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो गया अब इस चैप्टर में एक टॉपिक जो है आपका वो क्या है अ न्यू लॉ मतलब एक कानून की बात कर रहे हैं हम एक लॉ बन के आया ठीक है या न्यू लॉ तो ये जो नया लॉ आया है ये लॉ क्या है इस चीज को समझिए तो अ न्यू लॉ में हम देखते हैं हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 अब देखो मैं कभी भी ऐसे किसी लॉ का नाम लिखा रहेगा तो उसको पढ़ना सिखाता हूं बच्चों आपको क्या लिखा है हिंदू सक्सेशन फिर अमेंडमेंट मतलब क्या है अमेंडमेंट मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ चेंजेस किए गए ठीक है ये जो लॉ बना है इसमें कुछ चेंजेस किए गए अमेंडमेंट का मतलब वही होता है संशोधन करना बदलाव लाना ठीक है तो पहले एक लॉ था हिंदू सक्सेशन का तो हमारी कंट्री में क्या है फैमिली लॉज चलते हैं जैसे हिंदू लॉज जो है तो उसके हिसाब से कुछ चीजें जो हिंदू फैमिलीज वो फॉलो करती है शरीयत लॉ जो होता है तो उसके हिसाब से मुस्लिम फैमिलीज कुछ चीजें फॉलो करती है तो एक लॉ था पहले हिंदू सक्सेशन उसमें कुछ चेंज किया गया ठीक है चेंज कब किया गया टू तो कभी भी किसी भी लॉ का जब नाम लिखा रहे ना बच्चों तो ऐसे समझ जाना आप कि अमेंडमेंट मतलब उस लॉ में चेंज किया गया और ईयर मतलब ये उस साल की बात है तो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट टू ये इसकी कहानी है ठीक तो अब देखो क्या है ये लॉ क्या था तो पहले क्या सिचुएशन थी वो मैं बताता हूं आपको पहले इस लॉ के हिसाब से जो भी प्रॉपर्टी है ठीक है हिंदू फैमिलीज में जो भी प्रॉपर्टी है वो किसकी होगी मेल की होगी फीमेल को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा पहले ऐसा चलता था ठीक है तो अगर मैं आपसे कहूं कि फार्मर हु लैंड ठीक है तो जमीन किस फार्मर की होती है बताओ जरा तो आप क्या बोलोगे जल्दी से बोल दो जमीन तो मेन की होती है ठीक है जितने भी पुरुष होते हैं जितने भी मेल होते हैं मेल ओनर होते हैं फीमेल को हम कैसे देखते हैं वुमेन को कैसे देखते हैं तो वुमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड बट है बट हैज बट नॉट एज अ पीपल

क्या होता था टिल रिसेंटली आपकी बुक में क्योंकि ये बुक 2005 के हिसाब से चल रही है उम्मीद करता हूं क्लास के बच्चे जो है तो पंद्रह साल का कोई नहीं होगा ना अभी हिसाब इस से तो अब देखो क्या है तो टिल रिसेंटली इन समेट हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट शेयर इन फैमिली एग्रीकल्चरल लैंड क्या होता था 2005 के पहले तक फैमिली की जो एग्रीकल्चरल लैंड होती थी जो खेती की जमीन होती थी उस जमीन में हिंदू फैमिलीज में विमेन को हक नहीं दिया जाता था विमेन को किसी प्रकार के राइट्स नहीं होते थे उनका अधिकार नहीं होता था कि हाँ आपकी भी जमीन है तो आफ्टर दी डेथ ऑफ फादर हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग हिज सन तो जैसे क्या होता है कि 2005 के पहले अगर मेरे पास में क्या है मेरे पास में बीस हेक्टर ऑफ लैंड है ठीक है बीस हेक्टर लैंड है और मेरे दो बेटे हैं और एक बेटी है तो क्या होगा कि मेरी जमीन, मेरी जमीन के बाद में किसको मिलेगी मेरे दो बेटों को बराबरी बढ़ जाएगी दस दस बट जाएगी बेटी को कुछ नहीं मिलेगा वाइफ को कुछ नहीं मिलेगा तो पहले ऐसा सिस्टम चलता था ठीक है पहले ऐसा सिस्टम चलता था फिर क्या किया गया टू में चेंजेस लाए गए लॉ में हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया ठीक है क्यों क्योंकि आप इसमें देखोगे तो वुमेन के साथ में बड़ी दिक्कतें होती थी उनको हमेशा डिपेंडेंट रहना पड़ता था मेन के ऊपर तो अमेंडमेंट लाएगा एक, एक तो हम क्या करते हैं हमारे समाज में ऐसा कस्टम चलता है ना कि महिलाओं की जब शादी करेंगे तो उन्हें खूब सारा दहेज देंगे डाउरी देंगे लेकिन हम उन्हें अपना खुद की जमीन अपने खुद का प्रॉपर्टी नहीं देते वो दहेज भी जो दे रहे हो तो वो किसके लिए दे रहे हो आप वो दहेज दे के आप उस लड़की को बोलते रहे कि बस आज से आप मतलब पराए घर की हो गई जैसे पराया फिर क्या है तो वो दहेज दोगे तो दहेज क्या होता है प्रॉपर्टी रहेगी तो वो लड़की कम से कम हक तो बता सकती है कि हाँ कल को अगर कुछ बुरी सिचुएशन होती तो उस प्रॉपर्टी को उस प्रॉपर्टी में वो रह सकती है ऐसा तो क्या होता है देखो जैसे यहां पर क्या डॉटर्स विश तो इसमें क्या हो रहा है फादर इनहेरिटेड आर फ्रॉम आर हाउस फ्रॉम फादर लड़की क्या बोलती है बच्ची एक डॉटर जो है उसकी विश क्या है कि पापा ने तो अपने पापा से घर ले लिया ठीक है एंड एवरी वन सेज leave लीव इट टू ब्रदर ठीक है और सब बोलते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी है वो किसको मिल जाएगी मेरे भाइयों को मिल जाएगी ठीक है बट वॉट अबाउट मी एंड माई मदर ठीक है मेरे बारे में और मेरी माँ के बारे में क्या होगा एक बेटी पूछती है ठीक है पिताजी ने तो अपने पिताजी से जमीन ले ली और वो मेरे भाइयों के बीच में बांट देंगे लेकिन मुझे और मेरी माँ को क्या मिलेगा ठीक है तो टू एक्सप टू एक्सपेक्ट अ शेयर इन माई फादर्स होम इज नॉट वेरी वुमेनली आई एम टोल्ड फादर Father, होम मतलब पिता की संपत्ति में एक शेयर एक्सपेक्ट करना कि मुझे भी हक मिल जाए इस नॉट वेरी वुमेनली आई एम टोल्ड मतलब ये महिलाओं के मतलब ऐसा ऐसा बोलते हैं ना लड़कियों को ऐसी बात नहीं करना चाहिए तो उस तरह से बोल रहे कि ये नहीं है. आप ऐसी बात मत करो आपको शेयर नहीं मिलेगा ठीक है बट आई रियली वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई मुझे डाउरी तो मुझे दहेज नहीं चाहिए ना सिल्क चाहिए ना गोल्ड चाहिए तो इस तरह से एक कहानी सुंदर सी है यहाँ पे चलो तो हम वापिस अगर स्टोरी पे आते हैं तो आपको यह समझ में आएगा कि पहले यह सिस्टम था फिर लॉ लाया हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट टू तो इस लॉ के बाद क्या हुआ देखो ये जो नया लॉ आता है तो नए लॉ के हिसाब से क्या है ठीक है? इन न्यू लॉ डॉटर्स एंड पॉइंट है यहां पे क्या कि नए लॉ के हिसाब से हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से अब सन ठीक है सन डॉटर एंड देयर मदर्स तो सभी में मेरी प्रॉपर्टी मेरे बेटों में बेटी में और वाइफ में सब में बटेगी मतलब अब ठीक है तो उस तरह से क्या आएगी इक्वेलिटी आएगी ठीक द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ कंट्री कंट्री के हर पार्ट में ये लॉ क्या हो जाएगा अप्लाई हो जाएगा मजेदार ठीक है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आया इसके इसके बाद में एडवांटेजेस हैं बहुत ज्यादा क्या एडवांटेजेस हैं कि जो महिलाएं थी अब वो महिलाओं के पास में प्रॉपर्टी होगी तो उन्हें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा पहले क्या होना पड़ता था कि महिलाओं को डिपेंडेंट होना पड़ता था मेल के ऊपर फीमेल्स यूज टू डिपेंड ऑन मेल्स क्यों क्योंकि उनकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है कुछ आया ना समझ में अब देखो इसका जैसे स्टोरी ऑफ सुधा सुधा की एक स्टोरी दी गई है आपकी बुक में छोटी सी क्या है कि सुधा जो है तो सबसे बड़ी बेटी है तो वो पासी के गांव में उसकी शादी कर दी है लेकिन इस लॉ के बाद में अब क्या है सुधा को भी प्रॉपर्टी मिलेगी सुधा को प्रॉपर्टी मिलेगी तो वो क्या है कि वो इस तरह से है। वो समय समय पर आएगी अपनी माँ की मदद कर देगी अपनी जो खेती हो रही तो उसमें भी मदद कर देगी और उसे ये इस चीज से वो निश्चिंत है कि कल को अगर भविष्य में कुछ बुरा होता तो उसके पास अपनी खुद की जमीन है ठीक है इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट होता है कहां पे थ्योरी पार्ट पे मतलब मैंने आपको सारे टॉपिक्स समझा दिए हैं तो एक सेंस में देखा जाए तो चैप्टर हमारा कंप्लीट ठीक है कहानी खत्म पैसे हजम सारी चीजें हो गई है यहां पर लेकिन अभी भी क्या बचा है एनसीआरटी सोल्यूशन बचे हैं तो चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है हमारा ठीक है इंजॉय करो चैप्टर कंप्लीट हो गया लेकिन जो एनसीआरटी सल्यूशन बचे हैं उन्हें हम क्या करेंगे उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे तो इसके साथ हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा आई होप यू एंजॉयड इट चैप्टर पूरी तरह से समझ में आया है सारे टॉपिक समझ में आए हैं किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन मैग्नेट बेन्स पे क्लास फोर्थ से क्लास ट्वेल्थ तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स चैप्टर्स चैप्टर्स के टॉपिक्स सब टॉपिक्स सारा सब कुछ वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में सिस्टमेटिक ऑर्डर में अवेलेबल है जिन्हें आप देखकर आप घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी मैग्नेट बेन्स के बारे में बताइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एनसीआर के साथ टिल देन स्टे कनेक्टेड कीप लर्निंग थैंक थैंक यू थेंक यू वेरी मच हेलो एवरीबडी दिस इज सिंह राजपूत वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन इस वीडियो में हम एनसीआर सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं किस चैप्टर के तो जिस चैप्टर को थ्योरी पार्ट पे हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं जी हाँ क्लास सिक्स सिविक्स का चैप्टर चैप्टर है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन इस चैप्टर को थ्योरी पार्ट पे हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं सारे टौपिक्स, सब टौपिक्स, हर चीज़ को हम कर चुके हैं चुके, पढ़ चुके हैं अभी क्या रह गया है तो एनसीआरटी क्वेश्चन जो है जो आपकी बुक में है मेरे पास भी है क्वेश्चन मेरे पास उन क्वेश्चन का आंसर भी है तो उन सभी आंसर को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ठीक है थीके? तो सारे आंसर सारे जितने भी क्वेश्चन हैं, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो खुद से करना है आपको लेकिन अभी आप सिक्स में हैं तो आपकी मदद कर देते हैं लेकिन आगे ठीक है जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाते जाओगे आपको खुद से करना सीखना होगा उस चीज को फाइन देखो तो क्या है यहां पे तो एनसीआर में हम क्या है पहला क्वेश्चन है व्हाट इज वर्क ऑफ पुलिस इस चैप्टर में हमने पुलिस के बारे में पढ़ा था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में आपने देखा था पुलिस किस तरह से क्या काम करती है डिस्प्यूट रिजोल्व करवाने का तो क्वेश्चन वही पूछता है वॉट इज वर्क ऑफ पुलिस तो यहां पर क्या दिया है दर्क ऑफ दी पुलिस आर एज फॉलो क्या क्या है

तो इन सारे केसेस को रजिस्टर करने का काम किसका होता है इन सारे केसेस को रजिस्टर करने का काम होता है पुलिस का फाइन आगे क्या है टू इंक्वायर इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन केसेस विद इन इट्स एरिया एक एरिया के अंदर क्या है जो भी हो रहा है जो भी हो रहा है मतलब क्या है कि जो एरिया कौन सा है और ये कि जो पुलिस स्टेशन का जो एरिया है ठीक है ये बोर्ड कभी कभी परेशान करता है ये पुलिस स्टेशन का जितना भी एरिया है तो इस पूरे एरिया के अंदर जितना भी जो भी हो रहा है काम तो उन काम पे इंक्वायरी करना इन्वेस्टिगेशन करना और अप्रोप्रियट एक्शन जो भी लेना है किसी को जेल में डालना है पकड़ के अगर किसी ने गलत किया है तो वो सारे काम कौन करेगी पुलिस करेगी ठीक है ये पुलिस का काम होता है व्हाट इज वर्क ऑफ पुलिस तो ये हमने तीन छोटे से फंक्शन देख लिया तीन छोटे से काम देख लिए पुलिस के ठीक आगे क्या अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमारे पास लिस्ट टू थिंग्स दट दर्क ऑफ पटवारी इंक्लूड्स पटवारी के बारे में हमने देखा था पटवारी भी क्या है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में एक इंपॉर्टेंट एक इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है अब हमें दो चीजें बताना है बस कि क्या दो काम पटवारी करता है तो दर्क ऑफ पटवारी क्या क्या काम है मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड जमीन को नापना और उस नापी हुई जमीन का लैंड रिकॉर्ड रखना ताकि क्या हो कभी डिस्प्यूट हो जैसे मोहन और रघु के बीच में हुआ तो उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सके ठीक है आगे क्या है ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स फार्मर्स जो है किसान जो है तो किसान से लैंड रेवेन्यू मतलब जमीन के ऊपर जो टैक्स लगेगा टैक्स लगाने के बाद में जो पैसे इकट्ठा होता है ना तो वो पूरे कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू को ऑर्गेनाइज कराना किससे फार्मर्स से, के बीच में ही जाके तो काम करेगा पटवारी उन्हीं की तो जमीन नापेगा तो उन्हीं से टैक्स भी कलेक्ट कर सकता है पटवारी ठीक है तो ये दो काम हमने देख लिया किसके पटवारी के आगे क्या है वॉट इज दर्क ऑफ तहसीलदार तहसीलदार का, का काम क्या होता है बताओ जरा दि वर्क ऑफ अ तहसीलदार इंक्लूड तहसीलदार का क्या काम होता है दर्क ऑफ अ तहसीलदार इंक्लूड टू सुपरवाइज दी वर्क ऑफ पटवारी ठीक है मैंने आपको तहसीलदार के बारे में बताया था कि डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट को वा सर्कल बन गया एकदम ठीक है तो डिस्ट्रिक्ट को क्या करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करते हैं हम अलग अलग तहसील में अब तहसील का जो हेड होगा वो होगा मतलब डिस्ट्रिक्ट का हेड हो गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तहसील का हेड हो गया तहसीलदार ठीक है अब तहसीलदार के काम क्या होते हैं टू सुपरवाइज दी वर्क ऑफ पटवारी ठीक है पटवारी का जो अब तहसील के अंदर में जैसे एक गांव है चार गांव पे एक पटवारी है पटवारी पटवारी तो पत्वारी के ऊपर निगरानी कौन रखेगा तहसीलदार रखेगा ठीक टू सेटल डिस्प्यूट रिगार्डिंग लैंड मैंने आपको बताया था कि एक तहसील के अंदर जितने भी डिस्प्यूट है रिगार्डिंग लैंड तो वो कौन रिजोल्व कौन करेगा वो सारे डिस्प्यूट रिजोल्व करने का काम होता है तहसीलदार का ठीक है फिर क्या है टू गेट रेवेन्यू कलेक्टेड रेवेन्यू कलेक्टेड मतलब क्या है कि जो भी टैक्स वैक्स लगता है ना तो पैसा कलेक्ट करके कौन रखता है पैसा कलेक्ट करके रखने का काम भी होता है तहसीलदार का तो ये सारे काम थे तहसीलदार के जो मैंने आपको बताए इस क्वेश्चन के आंसर में ठीक है आगे क्या अगला क्वेश्चन देखो ये है अगला क्वेश्चन ये है वॉट इशू इज दोएम ट्राइंग टू रेज डू यू थिंक दिस इज एन इंपॉर्टेंट इशू इफ यू थिंक यस देन वाई पोयम बताई थी मैंने आपको डॉटर्स विश पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी हमने तो जो पोयम बताई थी तो अब आपको इंपॉर्टेंट है या नहीं है, है तो क्यों है बताओ चलो तो देखते हैं इनहेरिटेंस तो मतलब क्या होता है इनहेरिटेंस ऑफ डॉटर एंड मदर मतलब क्या है कि जो भी प्रॉपर्टी तो उस प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए इनहेरिटेंस होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का डिवीजन

तो अब क्या होता है आई थिंक दिस इशू इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आफ्टर गेटिंग मैरिड ठीक है वुमेन आर हेरास्ड एंड फाइनली दे आर लेफ्ट बाय देयर हस्बैंड ठीक है तो आप क्या बोल रहे इंपॉर्टेंट is मुद्दा है जिसे उठाना चाहिए था डू यू थिंक दिस इशू इज इम्पोर्टेंट यस दिस इशू इज वेरी इंपॉर्टेंट क्यों क्योंकि हमने देखा शादियों के बाद में अगर क्या होता है कि जो बेटियां हैं वो जब शादी करके जाती हैं तो वेमेन आर हरेस्ड ठीक है विमेन आर हरास्ड मतलब क्या होता है कि डावरी के लिए दहेज के लिए उन्हें परेशान किया जाता है कि तुम आइयो तुम्हारे पिताजी क्या है? इतनी जमीन है जाओ इतना आ, क्या लेके आओ दहेज लेके आओ तो उस तरह से दहेज के लिए जब परेशान किया जाता है दहेज समझते हो ना जो शादियां होती है तो शादियों में क्या होता है शादियों में आपने देखा होगा कि दुल्हन के साथ साथ क्या आएगा आएगा रेफ्रिजरेटर टेलीविजन आएगी सारी चीजें आएगी फोर व्हीलर आ रही है ये सब कुछ आता है ये दहेज ही होता है अब पूछना जरा अपने पेरेंट्स से आप दहेज लोगे क्या नहीं लेना है ठीक है स्वाभिमान से जीवन जियो फाइन अब देखो क्या है तो आई थिंक दिस इश्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आफ्टर गेटिंग मैरिड वुमेन आर रेस्ड फॉर डाउरी एंड फाइनली दे आर लेफ्ट बाय देयर हसबेंड और हस्बैंड क्या बोल देते हैं दहेज नहीं लेके आई अपने पिता के यहाँ से चले जा मेरे यहां से तो इस तरह से दे आर बिंग उनके साथ में उन्हें प्रताड़ना का को सहना पड़ता है उन्हें बहुत सारी परेशानियों को सहना पड़ता है अब क्या होता है तो अब देखो इस इशू को जो हमने एक्ट देखा था एक न्यू लॉ देखा था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट तो उसके हिसाब से क्या है इफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी वुड बी विद अगर महिलाओं को क्या दिया जाएगा इनहेरिटेंस में उन्हें भी जायदाद में हिस्सा दिया जाएगा ना अगर तो क्या होगा दे कैन डू इनफ टू मीट देयर एंड अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वो अपने आप क्या कर सकती है सर्वाइव कर सकते उनके पास होगी जो उनके पिताजी की थी तो ये लॉ बहुत अच्छा है ठीक है जो 2005 में आया था आपके आने से पहले लॉ आ गया था मतलब आप पैदा भी नहीं हुए थे जब क्या है क्वेश्चन नंबर फाइव इन वॉट वेज आर दी वर्क ऑफ पंचायत दैट यू रीड अबाउट इन दी प्रीवियस चैप्टर एंड दर्क ऑफ पटवारी रिलेटेड टू ईच अदर

गांव में जो भी काम होना है डेवलपमेंट होना है रोड बनना है तालाब बनना है कुछ भी बनना है तो वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का काम किसका होता है पंचायत का ठीक है ठीक है पटवारी अरेजेस फॉर मनी टू गेट टू गेट दी फैसिलिटीज वर्कड आउट और एग्जीक्यूटेड और क्या होता है कि पटवारी जो होता है तो पटवारी क्या करता है सारी फैसिलिटीज अरेंज करता है तो दोनों ही क्या है इंपॉर्टेंट है अगर आप रोड बनवा रहे हैं तो रोड के लिए पैसा कहां से आएगा जब लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कौन करेगा पटवारी पटवारी ने लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करा तो उसी लैंड रेवेन्यू के पैसे से तो रोड बनेगी है ना तो वही चीज है यहां पे दोनों का काम जुड़ा हुआ है आपस में आगे क्या है देखिए तो विजिट अ पुलिस स्टेशन एंड फाइंड आउट वर्क दैट पुलिस हैव टू डू टू प्रिवेंट क्राइम एंड एंड मेंटेन लॉ ऑर्डर इन देयर एरिया स्पेशली फेस्टिवल पब्लिक मीटिंग्स मीटिंग पुलिस क्या काम करती है सिंपल सी चीज है पुलिस कैसे क्राइम जो होता है तो क्राइम uh, को रोकने में मदद करती है या फिर मान लो कोई फैसिलिटी uh, को मेंटेन करना है लॉ एंड ऑर्डर को कि सब कुछ सही चलता रहे खास करके जैसे फेस्टिवल है कोई पब्लिक मीटिंग हो रही है वहां पे किसी प्रकार का को कोई क्राइम ना हो जाए भगदड़ ना मच जाए लोगों में मारपीट ना हो जाए शांति बनी रहे ये चीज पुलिस कैसे करती है आपको ये पता करना है पुलिस स्टेशन विजिट करो किसी पुलिस वाले अंकल के साथ बैठ के बात करो पुलिस वाले अंकल से डरना नहीं है आपको ठीक है वो भी तो इंसान ही होते हैं ना उनके साथ बैठो पूछो उनसे सीखो कि कैसे करते हो अंकल आप डरोगे क्यों ऐसा तो नहीं उनके सिंग लगे मार देंगे आपको तो पूछ बैठ के क्या करना चाहिए आपको उनसे बात करना चाहिए ठीक है तो अपने पेरेंट्स के साथ अगर जा सकते हो तो जाना और पूछना उनसे कि आप कैसे मेंटेन करते हो आंसर तब लिखने में ज्यादा मजा आएगा ठीक है बाकी हम फिर भी बता देते हैं आपको तो दी पुलिस परफॉर्म दी फॉलोइंग ड्यूटीज टू प्रिवेंट क्राइम एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर पुलिस क्या करती है कुछ चीजें करती है स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड पब्लिक मीटिंग्स क्या करती है देखो यहां पे तो दे डिप्लॉय एडिशनल पुलिस फोर्सेस अब आपने देखा होगा क्या कि मान लो क्या गणेश विसर्जन है ठीक है गणेश विसर्जन है तो कितनी भीड़ रहती है तो उस समय क्या करती है पुलिस स्पेशल फोर्सेस को डिप्लॉय कर देती है और ज्यादा पुलिस फोर्सेस आ जाती है मतलब जो लोग जितने भी पुलिस रहते हैं 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 सब रोड पे उतर आते हैं। वो ये देखते कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो बस ठीक है दे सेटअप क्विक कम्युनिकेशन टेक्निक्स फटाफट आपस में कोऑर्डिनेट आप देखो उनके यहां पे एक वॉकी टॉकी रहता है तो वो बचता रहता है यहां चले जाओ यहां चले जाओ ऐसा कर लो वैसा कर लो तो वो कोऑर्डिनेट करते हैं ठीक है तो दे सेटअप क्विक कम्युनिकेशन टेक्निक्स ठीक है दे एक्सपेंड सर्विलेंस वर्क सर्विलेंस वर्क मतलब क्या निगरानी रखना कैमरे वगैरह सारी चीजें चालू हो जाती है उनके एरिया में जितने भी केसेज होते हैं ना तो सबको इसको यहां पर आप इस पॉइंट में जोड़ देना क्या तो दे एक्सपेंड सर्विलेंस वर्क टू इन्वेस्टिगेट केसेज एरिया अब क्या होता है कि या फिर अलग पॉइंट बना लो ये तो इन्वेस्टिगेशन का हो गया

एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है बताया था वीडियो में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ठीक है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज दी हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट में पुलिस जो है तो पुलिस का हेड कौन होता है तो आप बोलोगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही हेड होगा सभी का चलो वो तो ठीक है लेकिन जितने भी पुलिस स्टेशन हैं डिस्ट्रिक्ट में उनका स्पेसिफिकली पुलिस ऑफिसर कौन हेड होता है तो पुलिस ऑफिसर में कौन हेड तो होता है सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी जब बोलते हैं ना एसपी साहब आ गए सलाम करो तो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीएसपी ठीक है तो ये लोग जो होते हैं ये लोग क्या होते हैं ये responsible होते हैं डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए पूरा आर आर बेसिकली इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन दी डिस्ट्रिक्ट ठीक है आगे क्या है अगला क्वेश्चन ये है तो हाउ डू वुमेन बेनिफिट अंडर न्यू लॉ तो जो नया लॉ आया हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 इस नए लॉ के अंदर वुमेन को क्या फायदा मिला है तो अकॉर्डिंग टू द्यू लॉ सन डॉटर्स एंड दियर मदर्स कैन गेट कैन गेट इक्वल शेयर इन दी लैंड उधर से ऐसा लाइट आता है ना तो टीचर को ऐसा घूमना पड़ता है थोड़ा सा ठीक है अब देखो यहां पर क्या है तो ये जो नया लॉ आया उस हिसाब से सन डॉटर्स एंड दियर मदर्स सभी को इक्वल शेयर इक्वल राइट मिल सकते हैं इन दी लैंड तो दॉ विल अप्लाय टू ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दंट्री और ये जो लॉ है तो यह सभी में इक्वली अप्लाई होता है मतलब कि सभी जगह पूरे देश में सारे पुरुष महिला ठीक है मतलब लड़के लड़की उनकी मम्मी सभी को क्या मिलेंगे प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स मिल जाएंगे और ये कब हुआ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बाद लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा देखिए तो लास्ट क्वेश्चन है इन योर नेबरहुड आर देयर वुमेन हु ओन प्रॉपर्टी मतलब अपने पड़ोस में जो आंटियां हैं ना उनसे जाके पूछना आप क्या कि आंटी आपकी प्रॉपर्टी है क्या बताओ तो सही इस तरह से ठीक है तो अब ये क्यों पूछना है तो हाउ डिड दे एक्वायर इट अब आप जैसे देखेंगे तो 2005 के पहले महिलाओं को प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी लेकिन आज क्या देख रहे हैं हम कि महिलाओं को बाय लॉ प्रॉपर्टी लेने का अधिकार है अब आप पूछेगा कि उनको प्रॉपर्टी कैसे मिली है तो देखो ये आपको खुद करना है मैं आंसर नहीं बताऊंगा इसका लेकिन फिर भी बता देता हूं दया आजादी ना

तो सम ऑफ विमेन दी प्रॉपर्टी अब महिलाओं ने कुछ क्या होगा कोई महिलाएं हो सकता है जॉब में किसी महिला का सम ऑफ दुम हैव परी उन्होंने खुद खरीदी होगी सम रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज इन देयर नेम अब कुछ महिलाओं की प्रॉपर्टी क्यों है क्योंकि उनके हस्बैंड ने बोल दिया था कि हम आपके नाम पे खरीद लेते हैं तो कुछ महिलाओं के हस्बैंड ने खरीद ली होगी ठीक है? फिर सम ऑफ वुमेन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर एल्डर्स क्या होता है एल्डर्स जैसे मान लो किसी के parents की property थी, तो वो parents ने property अपनी बेटी को दी है बराबर ना बेटे, बेटी में, 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 सब में। तो उस तरह से क्या है कि कुछ वुमेन के पास में प्रॉपर्टी कहां से आएगी दे तो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट होता है दोनों पार्ट्स पे थ्योरी पार्ट पे हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन बता पूर्ण है। तो पूर देते हैं, स्वाहा बोलते हैं हमारा हुआ है। सारी समझ में आई है मजा आया है किसी प्रकार का डाउट है फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन मैग्नेट ब्रेन पे क्लास फोर्थ से क्लास ट्वेल्थ तक सभी सब्जेक्ट सभी चैप्टर सभी चैप्टर्स के टॉपिक्स सब टॉपिक्स सारा सब कुछ इसी तरह से सिस्टमेटिक वे में अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल है जिसे आप घर बैठे बहुत आसानी से वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में देख सकते हैं आपको अपने जूनियर्स और सीनियर्स को बताना है मैग्नेट बीम के बारे में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ टिल देन स्टे कनेक्टेड कीप लर्निंग थैंक यू थैंक यू वेरी मच